नमस्कार, मैं हलका शर्मा, तुसी वेख रहे हो जनहित देशी। दोस्तों, अज असी आए हाँ लुधियाने की फील्डगंज मार्केट के मशहूर चाचे की हट्टी के उत्ते, जिन्हां दे छोले भटूरे ते लस्सी बहुत ही लोगों के चर्चा का विषय अक्सर बने रहिंदे ने जदों भी वो फील्डगंज मार्केट के गुजरते हैं। तो आओ गलबात करके जानते हैं कि इन्हां दी जिहड़ी हट्टी है उहदे विच की खास है। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैं पूछना चाहती हूँ सर, किन्ने साल हो गए तुहाडी इस हट्टी नूं? क्योंकि जदों तो मैं देख रही हाँ, मतलब फोर्थ फिफ्थ च होनी है, मैं पापा मम्मी इत्थे ही लैके आंदे रहे सी, ते हुण तां काफ़ी साल हो गए होने। 25 साल हो गए। अच्छा, ते तुसी मिलके सारिया ने स्टार्टिंग कीती सी, किद्दां होई सी स्टार्टिंग? पहले तो साढ़े काम कोई होर है, अलग अलग पाकिस्तान तो जो आए थे लोग। अच्छा। उस वे मतलब अलग अलग काम करते रहे, मेहनत करते रहे, कभी कामयाब हो जाना, किधरे घाटे पै जाने, काम छड्ड देने, फिर अखीर करते करते बाजार के जिस तरीके भी ये ट्रेंड चलिया, फिर सोच आई कि चलो कुछ नहीं, लोगों की पेट पूजा वास्ते ही मतलब काम शुरू कर दी है। अच्छा। और बहुत 1 रुपए तो शुरू की थी असी स्टार्टिंग, हम हौली हौली करते देखो जी, इन्ने सालों के जाके अज 40 रुपए की प्लेट मतलब असं दे रहे हैं। बहुत साल हो गए, इन्नी महंगाई होने के बावजूद साढ़े तो बाकी दूसरे फास्ट फूड वगैरह वालों के किन्ने रेट उपर चले, होटलों से चल जाए तो 500-500 रुपए की प्लेट तक भी लोग देंगे, असं 40 रुपए दे रहे हैं। साडा मकसद यही है कि सिर्फ जनता की सेवा करना। बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिवें चाचे की हट्टी है, तुहाडी हट्टी का नाम, ये चाचे की हट्टी नाम किवें पिया? वो साड़ी फैमिली बहुत वड्डी सी जी, 5 साढ़े चाचे ताए सी, गोणा दे 5-5 6-6 बच्चे, बच्चों के अगों बच्चे, बस जदों शुरू किया फिर सारिया के नाल ही जिवें ग्रुप घर का सीगा, वो पूछ के मतलब इस तरीके सब तो छोटे सी, इस करके चाचा जी का नाम चाचा जी चाचा चाचे की हट्टी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि तुहाडी जिहड़ी आ छोले भटूरे ते लस्सी है, उहदे विच की खास है जिहड़ा बाकी सारे नालों तुहानूं अलग बनाउंदा है? देखो, असी किसी भी चीज़ के भी साडा कोई कैमिकल नहीं है, साडा एकदम जिस तरीके आप घर के सिंपल खाना खाने हैं उसी तरीके घर वाला उही सेम नमक मिर्च मसाला ਉਹੀ ਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਯੂਜ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 10% ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 10% ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ, ਕੰਮ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਪਾਸੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। सरकार नूं चाहिए हर घर घर के खर्चा भेजे कोई भी, क्योंकि लोग जिहड़े दिहाड़ीदार या दुकानदार है जिन्हां दे काम नहीं चल रहे, उन्हां दा खर्चा बहुत मुश्किल है, स्कूलों दीआं फीसां, बिजली दे बिल, सब कुछ माफ़ कर देना चाहिए, बिल्कुल 1 रुपया किसी को लैना नहीं चाहिए। ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ 8 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਈਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਟਰ ਖੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਫੀਲਡਗੰਜ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲਚਾ ਚਨੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਸਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ।